Good afternoon, friends. Today is a great day. Today is a memorable day for all of us. Not only NBC, it's a memorable day for all the students, all the parents of our loving students, and all the faculties, and all the center director also. क्योंकि आज का दिन पता है ना सर क्या होने वाला था. देखो घड़ी में तो सर 4 बज गए. मतलब सर यस आप बिल्कुल सही सोचे हैं सर. एनबीसी ई लर्निंग का आज ऑफिशियली अनाउंस होने वाला है सर. ऑफिशियली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सर एनबीसी ई लर्निंग को सर. तो मैं तो यही कहूंगा सर एज अ डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैं एक ही चीज कहूंगा It's a start of a new era. It's a start of a new journey. और actually होता है ना सर काम करने के लिए कोई भी चीज़ को आपके सामने लाने के लिए कोई भी चीज़ को पहली दफा शुरू करने के लिए एक passion होना चाहिए. काम करने के लिए एक hungerness होना चाहिए. एक अंदर से motivation होना चाहिए कि हम लोग इस काम को कैसे next level पे लेके जाएंगे. कैसे स्टूडेंट के हाथों में हम लोग वो नया चीज एक नया मशाल दे देंगे ताकि उनके आने वाले जिंदगी और भी खुशियों से भर जाए सर. तो पैशन एक बहुत बड़ा चीज है. इस ई लर्निंग को चालू करने के लिए बहुत 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 पैशन से बहुत लगन से बहुत शिद्दत से हमने मेहनत किया है पूरे एनबीसी टीम ने और हमारे साथ जितने हमारे प्यारे सेंटर डायरेक्टर्स है वो लोग भी बहुत अच्छा मदद किया हम लोगों को कि एनबीसी ई लर्निंग को हम लोग आपके सामने लेके आ सके. अभी मैं बात करूंगा सर ई लर्निंग का. ई लर्निंग चीज क्या है सर? सर इट्स ए डिजिटल प्लेटफॉर्म. मैं हमारे जितने सारे स्टूडेंट है मैं उनको यही कहना चाहूंगा इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. इट्स अ ग्रेट स्कोप फॉर ऑल ऑफ यू. आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके लिए मौका है आपके लिए आपका जिंदगी के जो रास्ते है वो खुल जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है जहां पर आप ऑनलाइन के थ्रू एजुकेशन ले सकते हैं नॉट ओनली हिंदी नॉट ओनली इंग्लिश ऑल्सो अबाउट योर रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो अबाउट योर लोकल लैंग्वेज. आपके लोकल लैंग्वेज में आपके रीजनल लैंग्वेज में आप कंप्यूटर सीख सकेंगे बिल्कुल. And not only computer education, it's all about the spoken English, it's all about the job related training, it's all about the motivational training, सब कुछ online के द्वारा आप यहाँ पर सीख सकते हैं. बिल्कुल आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं कि सर ये online education तो बहुत सारे organization वादा करते हैं हम लोगों को कि हम लोग भी online education provide करेंगे. तो आपका जो e-learning system है क्या वो ऐसा ही है या फिर वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है? बिल्कुल हमारा जो e-learning सिस्टम है वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है क्योंकि आप यहां पर बस आपके लोकल फैकल्टी के हेल्प से नहीं इंडिया के जितने सारे बेहतरीन टीचर्स से सारे टीचर्स आपको गाइड करेंगे. इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना कि बस स्टूडेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म है फैकल्टीज के लिए. बिल्कुल आपने सही सुना ये बस स्टूडेंट के लिए नहीं ये फैकल्टीज के लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि एक फैकल्टी दूसरे फैकल्टी कैसे अपना कोचिंग करवाता है कैसे अपना मेंटरशिप कैसे करते हैं ये भी दूसरा फैकल्टी उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं कि मानिए कि सर टैली का कोई एक पार्ट है कि ऑनलाइन टैक्सेशन एक फैकल्टी ऑनलाइन टैक्सेशन को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं उनका प्रेजेंटेशन स्किल क्या है. जो कोई भी टीचर अच्छा जीएसटी पढ़वाते हो तो वो कैसे पढ़ा रहा है इस चीज को ये आप सीख सकते हैं. कोई बेसिक का बहुत ही अच्छा टीचर है तो वो बेसिक कैसे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं कोई नया नया चैप्टर बेसिक का कैसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को ये दूसरे फैकल्टी सीख सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ना कि बस स्टूडेंट यहाँ पर दूसरे सेंटर का फैकल्टीज भी यहाँ पर सीख सकते हैं कि कैसे और जो दूसरे टीचर्स है वो कैसे कोचिंग कर रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज का होना बहुत ही जरूरत है और एनबीसी ई लर्निंग आप सब लोगों को ये चीज प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन के थ्रू
मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू और जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग के थ्रू। वो चीज क्या है? पहली है सर पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड। वन, पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड। कोई भी चीज को सीखने के लिए अगर पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड अगर आपके अंदर होगा तो आप बिल्कुल ये चीज बारीकी से पटक से आप सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घर बैठे, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं अभी लॉकडाउन है, पर लॉकडाउन है तो क्या है, डोंट क्राई, लेट्स ट्राई फॉर समथिंग न्यू। अगर हम लोग घर बैठ के एनबीसी के थ्रू, एनबीसी जो इंडिया का सबसे पॉपुलर और चर्चित कंप्यूटर एजुकेशनल इंडस्ट्री है, एनबीसीई, और एनबीसी मैं आपको एक बहुत अच्छा खुशखबरी देता हूँ, 1500 से ज्यादा सेंटर अभी हमारा ओपन हुआ है हाल ही में, बिल्कुल ये लॉकडाउन के टाइम में, अभी लॉकडाउन चल रहा है सारे देश में, उसी वक्त में 1500 स्टडी सेंटर हमारा ओपन हुआ है। तो इट्स अ गुड न्यूज एंड ये इस चीज को, जैसे मैंने पहले कहा, ये पैशन है। पूरा एनबीसी टीम इतने अच्छी तरीके से काम करता है, हमारा जितने सारा फैकल्टीज है, हमारे जितने सारे सेंटर डायरेक्टर है, हम सब लोग इतने अच्छी तरीके से काम करते हैं, बस 5 से 6 सालों में हम लोगों ने ये तरक्की हम लोगों ने हासिल की है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि पहला है पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड। कुछ भी चीज को सीखने के लिए पहला लर्निंग एटीट्यूड बहुत ही जरूरी है, जो हम लोग ऑनलाइन का थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा चीज है डिजायर फॉर सक्सेस। आप माने कि मैं हमारे जितने सारे प्यारे स्टूडेंट हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, मे बी आप जॉब करना पसंद करेंगे, मे बी आप बिजनेस करना पसंद करेंगे, जो भी आप करना पसंद करेंगे उस चीज को करने के लिए आपका ऑनलाइन एजुकेशन का होना, आपका कंप्यूटर एजुकेशन का होना, आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का होना बहुत ही जरूरत है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे ई लर्निंग में। और तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज है समझना, मतलब ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ पर स्कोप क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है। इस चीज को अगर आप सीख सकते हैं तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मतलब ऐसे बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। मानो कि सर आप कर्नाटक में बैठ के आप पढ़ना चाहते हैं कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट, तो कन्नड़ लैंग्वेज में अगर हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे तो समझने में कितनी आसानी हो जाएगी। अगर आप आसामीज है तो अगर असमिया लैंग्वेज में हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे तो समझने में कितनी आसानी हो जाएगी। कोई अगर वेस्ट बंगाल से कंप्यूटर एजुकेशन सीख रहा है तो अगर हम लोग उनको बंगाली लैंग्वेज में कंप्यूटर एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, उनके पास लेके आएंगे, तो बच्चे को सीखने के लिए कितना आसान हो जाएगा। तो यही चीज है, ये तीनों चीज, पहला स्कोप, दूसरा होता है सक्सेस, जो डिजर्व, एक सक्सेस के लिए बहुत ही डिजर्व बहुत ही जरूरी है, तीसरा पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड। तो ये तीनों चीज ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये बस लॉकडाउन तक सीमित नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बस ये लॉकडाउन तक सीमित रहेगा, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये चीज आगे बढ़ता रहेगा, ये चीज चलता रहेगा, क्योंकि इट्स ए लॉन्ग टर्म गोल। हम लोग चाहते हैं इंडिया में जितने सारे हमारे स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन ही हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिटरेट करेंगे, एडुकेटेड करेंगे, ताकि आने वाले दिन में जो हमारा जो सबका सपना है डिजिटल इंडिया, उसको आगे लेके जाने के लिए हम लोग ये एडुकेशन बच्चे के पास हम लोग लेके आ रहे हैं, आप सबके पास हम लोग लेके आ रहे हैं। और कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए तीन चीज फिर से दोहराता हूं बहुत ही जरूरत है। पहला है मिशन, दूसरा है विजन, तीसरा है वैल्यू। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है डिजिटल एजुकेशन को हर बच्चे के मोबाइल में, हर बच्चे के लैपटॉप में, कंप्यूटर में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चा घर बैठ के वो चीज सीख सकते हैं। नंबर टू क्या है? विजन। इसके पीछे जितने सारे सेंटर डायरेक्टर और फैकल्टीज काम कर रहे, हम सबको एक जगह एक छत के अंदर लेके आने के लिए कोशिश कर रहे। इससे क्या होगा, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, काम करने का मोटिवेशन बढ़ेगा, नया नया चीज सीखने के लिए इंटरेस्ट ग्रो होगा, जो इससे तरक्की होगा एनबीसी का, इससे तरक्की होगा वो स्टडी सेंटर का, इससे तरक्की होगा वो बच्चे का। और नंबर थ्री वैल्यू। इट्स नॉट अबाउट ओनली बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग अप आवर कंट्री इंडिया। तो इंडिया को ग्रो करने के लिए डिजिटली और भी ज्यादा
फोकस करने के लिए बस हम लोग अपने अपने बिजनेस के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे, हम लोग कंट्री के बारे में भी सोच रहे हैं। ये लॉकडाउन के टाइम में सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ स्टॉप हुआ है, तो इसको अगर हम लोग ओपन करें लॉकडाउन, उसको अगर हम लोग हाईली ओपन कर दें तो कैसा होगा? तो बिल्कुल ये हाईली ओपन करने के लिए ये प्रोसेस है ई लर्निंग प्रोसेस, जो बाकी लर्निंग से, बाकी डिजिटल एजुकेशन से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। यहाँ पर इंडिया के सारे बेहतरीन फैकल्टी नियर अबाउट, मतलब सोचिए कि हमारा 1500 सेंटर है, तो 1500 सेंटर से अगर मैं सोचूं कि 500 सेंटर से 500 फैकल्टी यहाँ पर क्लास लेंगे और 500 तरीके से आपको कोचिंग करेंगे, आपको मेंटरशिप करेंगे, आपको ग्रो करेंगे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो कैसा रहेगा? 500 एक्सपीरियंस विद यू। और एक बहुत बड़ा कदम लेने के लिए एक छोटा सा स्टेप बहुत ही जरूरत है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। ये जो पल अभी शुरू हुआ है ई लर्निंग, हम लोग उसको ग्रो करेंगे और भी अच्छी तरीके से लेके जाएंगे। और इसका क्लास का शेड्यूल मैं आपको थोड़ा बता देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द मंडे हम लोग सोमवार से ये क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये हमारा पहला हफ्ता होगा, पहले हफ्ते में हम लोग 5 दिन हम लोग क्लास लेंगे, सैटरडे और संडे को हमारा क्लास नहीं होगा। तो 5 दिन, पहला हफ्ता जो 5 दिन हम लोग क्लास जो लेंगे उसका शेड्यूल क्या होगा? उसका पहला शेड्यूल होगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा पहला क्लास, शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक एक क्लास रहेगा, मतलब 2 क्लास रहेगा। पहला हफ्ता 5 दिन क्लास होगा और पर डे 2 क्लास होगा, और उसका टाइमिंग क्या होगा? सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक क्लास, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक एक क्लास रहेगा। और जैसे ही ये डिमांड बढ़ता जाएगा तो हम लोग क्लास भी बढ़ाएंगे, और हो सकते है कि उसके बाद जो हफ्ता आना शुरू हो जाएगा वहां पर 3 क्लास 4 क्लास हो सकते हैं, तो हम लोग 5 क्लास भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट, इट्स अ वेरी वेरी अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, नॉट ओनली सेंटर डायरेक्टर, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल्सो स्टूडेंट, एंड इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फैकल्टीज ऑफ अवर नेशन। तो आप यहाँ पर जुड़ जाइए और फोकस कीजिए, अपने गोल को फोकस कीजिए। अगर अपना आपका गोल अगर है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में सक्सेस होना है, तो ये ई लर्निंग प्रोसेस आपको वेलकम करते हैं, और आप इस ई लर्निंग प्रोसेस में आइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, और नया इंडिया को हम लोग लॉकडाउन नहीं, ओपनली हाई हम लोग सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोच रहे हैं हम लोग, अच्छे माइंडसेट के साथ हम लोग सोच रहे हैं, इंडिया को हम लोग आगे लेके जाएंगे और भी तरक्की पे लेके जाएंगे इस ई लर्निंग प्रोसेस के साथ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे तरीके से आपको ई लर्निंग के बारे में और भी अच्छा इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।